हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू स्पोर्ट्स इन्फोटेक। माय नेम इज अंकित शर्मा एंड यू वाचिंग द वन एंड ओनली स्पोर्ट्स इन्फोटेक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं डीकैथलॉन में एंड हाउ यू कैन बिकम अ एम्प्लॉय इन डीकैथलॉन। अगर आप कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट देख रहे हैं, पार्ट टाइम वर्क करना है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना है, आप डीकैथलॉन में काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फुल टाइम वर्क करना है, कोई सैलरी बेस्ड पर्सन देख रहे हैं कि उनको जॉब शिफ्ट करना है स्पोर्ट्स कंपनी में, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अगर आप अपना जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है, इफ़ यू वांट टू कम इनटू स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जॉब करना है, तो डीकैथलॉन आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाला है, मैं आपको बोल सकता हूँ। यहाँ पे आप गेम भी खेलेंगे, यहाँ भी आप काम भी करेंगे, आपको पैसा भी वैसे मिलने वाला है। कैसे अप्लाई करना है, सेकंड आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है। अगर आप कोई नॉर्मल पर्सन देख रहे हैं जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी ये वीडियो को देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप डीकैथलॉन में अपना करियर बना सकते हैं और अच्छा खासा सैलरी अर्न कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स इन्फोटेक को फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो यार। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखो, हम लोग ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जो आपको हेल्प करता है टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात करने वाले हैं कि डीकैथलॉन कहाँ से स्टार्ट हुआ था और डीकैथलॉन क्या है। तो डीकैथलॉन स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द फ्रेंच कंट्री, फ्रेंच बेस्ड ये कंपनी है। जो फर्स्ट स्टोर था वो फ्रेंच में था, ठीक है। उसके बाद से आपका इनका स्टोर पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैल चुका है, बहुत सारा इनका स्टोर हो चुका है। और इनका स्टोर में अगर आप जाएंगे डीकैथलॉन में, तो डीकैथलॉन में आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट मिलता है। जो भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉर्स राइडिंग, रग्बी, कोई भी आप गेम खेलते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, इवन स्विमिंग करते हो, आपको सारा कुछ का स्पोर्ट्स का कपड़ा से लेकर जिम इक्विपमेंट से लेकर आपका जो भी आपको गेम में रिक्वायरमेंट होता है, एसेंशियल होता है आपका इक्विपमेंट का, वो सब कुछ मिल जाएगा आपको डीकैथलॉन के स्टोर में। तो आप समझ सकते हैं डीकैथलॉन एक ओवरऑल एक स्पोर्ट्स हब है, जहाँ पे आपको सारा कुछ का ऑफर मिलता है ओनली इन स्पोर्ट्स। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स अटैच है, तो आपको डीकैथलॉन में सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे सेकंड प्रोसेस में अप्लाई कैसे करना है आपको। तो देखिए, दो वे होता है अप्लाई करने का। सबसे पहला हो जाता है कि आप इनका वेबसाइट में जाइएगा, ठीक है। तो डीकैथलॉन सर्च करेंगे आप, उनका एक वेबसाइट में एक ऑप्शन दिया हुआ है करियर पोर्टल। तो करियर पोर्टल में आप क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे वैकेंसीज लगा हुआ है। अगर आप नॉर्मल गूगल में सर्च करेंगे कि डीकैथलॉन स्पोर्ट्स जॉब, तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा कंपनीज का, तो बहुत सारा आपको वेबसाइट मिल जाएगा, जैसे कि इंडीड हो गया आपका, talent.in हो गया। तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं डीकैथलॉन में। तो उसके बाद आपका सेकंड प्रोसेस होता है कि अगर आपके कोई फ्रेंड या कोई नोन में काम करते हैं डीकैथलॉन में पहले से, आप उनको बोल सकते हो कि कोई भी वैकेंसी होने से मेरे को बताना, मैं यहाँ पे काम करूँगा। ये सेकंड प्रोसेस हो गया है। और थर्ड प्रोसेस भी आप कर सकते हो, ये भी इजी प्रोसेस है बहुत। आप डीकैथलॉन जाकर जो भी आपका एसोसिएट वहाँ पे है या कस्टमर जो मैनेजर है, आप उनसे बात कर सकते हो। मैं एक स्टूडेंट अभी हूँ, मेरे को आपके कंपनी में इस ब्रांच में वर्क करना है, तो कैसे करना है, क्या करना है, मेरे को प्लीज़ बता दीजिए। हाई चांसेस है कि वो आपको एक मेल आईडी करेंगे प्रोवाइड, आपको बोलेंगे कि आप अपना रेज्यूमे हम लोग को सेंड करो। अगर आपका जॉब प्रोफाइल हम लोग के कंपनी से मैच करेगा, तो डेफिनेटली आपको हम लोग मैसेज करेंगे और आपका फिर एक थर्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि इंटरव्यू राउंड। अब इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस होता है, क्या क्या इजी होता है कि हार्ड होता है, तो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, इंटरव्यू काफ़ी इजी होता है। आपका जो रेज्यूमे रहता है ना, आप जो अपने एक्सपीरियंस लिखते हो वहाँ पे, तो वही चीज़ का आपका ज़्यादा सवाल करते हैं उन लोग। ने जो सीवी अपलोड किया था, तो सीवी से ही कुछ रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछे जाएगा इंटरव्यू में, कि आपका एक्सपीरियंस क्या क्या था। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो डायरेक्टली कि मेरे पास एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई एम विलिंग टू लर्न, मैं रेडी हूँ लर्न करने के लिए न्यू थिंग्स। ये हमेशा बोल रहे हैं इंटरव्यू राउंड में। इससे क्या होता है ना, जो सामने वाले जो इंटरव्यूअर होते हैं ना, वो इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये बंदा या बंदी रेडी है सब कुछ समझने के लिए, सब कुछ जानने के लिए। तो ये चीज़ आपको एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और आपका चांसेस इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका मेनली पूछते हैं हम लोग कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका इन लोग देखते हैं कि वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। उस कस्टमर के साथ आपको बात करना पड़ेगा, तो कस्टमर जब बात करेंगे तो आप कैसे बात कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ आपका ज़्यादा वहाँ पे टेस्ट किया जाता है। इंटरव्यू काफ़ी ईजी होता है, एज सच बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर आप कोई से बात करना जानते हैं अच्छा से, तो आप बात करना जानते हैं हिंदी या इंग्लिश में, किसी लैंग्वेज में भी, तो आप बिल्कुल जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं, इंटरव्यू में आपका हो जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू इतना हार्ड नहीं है, बट हाँ, अगर आपको इंटरव्यू का पूरा फुल प्रोसेस चाहिए कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है क्वेश्चंस एकदम डायरेक्टली, देन नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए और कमेंट डाउन कर देना, तो मैं आप लोग के लिए बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू क्वेश्चंस इन डीकैथलॉन, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ में मूव करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। अगर आपका इंटरव्यू राउंड हो चुका है, देन आपका क्या होगा, अभी आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे एक डीआरडी होता है, डीकैथलॉन
सिलेक्शन रिक्वायरमेंट टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मेनली आपका शायद फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट मतलब कि आपको सुबह सुबह शायद बुलाया जाएगा 7:30 या 7 बजे तक, और आप नहीं रहेंगे अकेला, बहुत कोई रहने वाला है आपके साथ। हो सकता है कि 20 जन वहाँ पे हो, उन लोग का भी इंटरव्यू हो चुका है वहाँ पे। एक साथ आकर उन लोग कुछ एक्टिविटीज खिलाएंगे आपको। हो सकता है कि आपको क्रिकेट खिलाया जाए, दो टीम में लाइक डिवाइड कर दिया जाएगा कि 11-11 प्लेयर्स इस टीम पर रहेंगे, और वहाँ पे आपको देखा जाएगा कि आप कैसे खेल रहे हैं क्रिकेट। कि क्रिकेट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट कोई भी गेम आपको खिला सकते हैं वो लोग, ठीक है। एक फिजिकल टेस्ट हो जाता है, ठीक है। उन लोग चेक करते हैं कि आपका स्टैमिना, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ कितना है, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू कमिंग इन टू स्पोर्ट्स इंडस्ट्री तो जाहिर सा बात है कि उन लोग आपका चेक करेंगे कि ये बंदा या बंदी फिट है कि नहीं वर्क करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स कंपनी में। तो यही चीज़ है, तो इसीलिए इन लोग आपका फिजिकल टेस्ट करवाते हैं। डीकैथलॉन में ऐसा नहीं है कि आप नेशनल प्लेयर है तभी आप वर्क कर सकते हैं, अगर आप नहीं भी कुछ खेले हुए हैं तब भी आप वर्क यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं एक चीज क्लैरिटी कर दूँ। लोग बात करेंगे कि आपका सैलरी कितना हो सकता है। देखो, पार्ट टाइम वर्क करना है तो पार्ट टाइम में आपको सैलरी मिनिमम यहाँ पे पर आवर के हिसाब से होता है, ठीक है। तो आवर में आपको मिनिमम 120 रुपीज से लेकर 210 रुपीज के बीच में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो पार्ट टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका मंथली अगर आप काउंट करेंगे तो मंथली यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 6,000 से लेकर 7,000 के बीच में आपका मंथली इनकम हो सकता है एज अ पार्ट टाइम, ठीक है। और अगर फुल टाइम वर्क करेंगे आप तो डेफिनेटली फुल टाइम अगर आप वर्क करेंगे तो आपको 10 आवर्स या 8 या 9 आवर्स आपको वर्क करना पड़ेगा, और वहां पे आपका सैलरी हो सकता है अराउंड 15,000 से लेके 25,000 के बीच में। बिल्कुल, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इतना ज्यादा क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आप नेगोशिएट कर सकते हो अपना सैलरी कि सर आप मेरे को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, बिकॉज मेरा CV भी देखो या रेज्यूम में देखो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है, तो वो आप नेगोशिएट ऑन द टेबल आप बैठ कर सकते हो। सो ये होता है आपका एक सैलरी प्रोसेस, आपको इतना मिल सकता है, ठीक है। कि मार्क्स का कोई वेटेज नहीं है कि आपको 12 में इतना मार्क्स लेकर आना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे यहाँ पे अप्लाई, ऐसा नहीं है। जो भी मार्क्स है तुम अप्लाई करो, तुमको मेन चीज इन लोग देखेंगे कि जो भी मार्क्स है आपका आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका मेन चीज है कि आपका फिजिकली आप कितना फिट है और आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आप कैसे आप हैंडल करते हैं प्रॉब्लम, ये आपका मेन चीज देखा जाएगा वहां पे। सो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत सारे वीडियो रिगार्डिंग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री आपको ऐसे ही मेरे चैनल में मिलते रहता है। अगर आप फॉलो नहीं किए हैं टेलीग्राम में तो फॉलो कर लो, मैं आप लोग को हेल्प करूंगा, ठीक है, वहां पे इंटर्नशिप के लिए। और सेकंड है कि इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो करके रखो। आपको पर्सनली मैसेज करना है मेरे को तो इंस्टाग्राम में जाओ, मेरे को मैसेज करो। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।